सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो मैं पद्मिनी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से अनहेल्दी खाने की वजह से हमारे स्किन डल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, ब्लेमिशेस हो रहे हैं। सो इससे छुटकारा पाने के लिए लेके हूँ एक मैजिकल फेस पैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड पोटैटो यानी उबला हुआ आलू, और हमें चाहिए चावल की आटा, वाइट जो चावल होती है उसकी आटा, जो कि हर किसी के घर में मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। सो फ्रेंड्स, ये बॉयल्ड पोटैटो है यानी उबला हुआ आलू, और हमें चाहिए उबला हुआ दूध यानी बॉयल्ड मिल्क। सो सिर्फ इन्हीं तीन ही चीज़ों से हमें बनानी है फेस पैक, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है और फ़ायदेमंद है हमारे स्किन को वाइटनिंग बनाने के लिए और लाइटनिंग बनाने के, ब्राइटनिंग बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, बॉयल्ड पोटैटो में होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटासियम, विटामिन और मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड जिंक, जो कि बहुत ही अच्छी है स्किन के लिए, और ये स्किन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगरी है, और ये एक स्किन वाइटनिंग मैजिकल रेमेडी है जो कि आपके स्किन को सॉफ्ट बनाने के साथ फेयर भी बनाएगी, स्पॉटलेस भी बनाएगी और वाइट स्किन देगी। और फ्रेंड्स हम रो पोटैटो यानी कच्चा आलू को भी यूज करते हैं फेस के लिए। सो बॉईल किया हुआ भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे दूध यानी उबला हुआ दूध, बॉयल्ड मिल्क, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है स्किन को ग्लो देने में, और यह स्किन को ग्लो करती भी है, ग्लो देती भी है, और यह स्किन को क्लींज भी करती है। और मिल्क में होती है लैक्टिक एसिड जो कि स्किन को एक्सपर्ट करती है, और राइस पाउडर यानी चावल की आटा को मिलाकर लगाने से ये और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है स्किन को ग्लो करने में। आप इसे डेली लगा सकते हैं या फिर हफ्तों में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, और ये स्किन को व्हाइटनिंग करेगी, एक्ने को कम करेगी, ब्लेमिशेस और डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करेगी, सो क्योर करेगी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है बॉइल्ड आलू यानी उबला हुआ आलू, आपको आपके फेस के हिसाब से लेना है, या फिर आप ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके सिर्फ 2-3 दिन के लिए, और फिर उसे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे बॉयल उबला हुआ आलू को इस तरह से मैश कर लें, और मैश करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे दूध जितना चाहिए, थोड़ी सी थिक पेस्ट चाहिए हमें, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं, और क्योंकि ये फेस में चिपक कर रहना चाहिए ताकि इसकी जो गुडनेस है हमारे स्किन में आए। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे चावल की आटा लगभग 1 चम्मच, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स करने के बाद एकदम क्रीम की तरह होगी, और इसे आपको लगानी है क्लीन फेस पर, पहले आपके स्किन को क्लीन कर लें और इसी मिक्सचर को अपने फेस पर लगाएं, एक बार अच्छे से लगा लें, और लगाने के बाद उसे अच्छे से मसाज करें ताकि इसकी गुडनेस स्किन में आए और स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिवेट हो जाए, और स्किन को मसाज करने से स्किन एक्सप्लोर होती है। सो इस तरह से आप लगा लें, और अच्छे से लगाने के बाद थोड़े से मसाज कर लें ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर तक, ताकि स्किन ब्लड सर्कुलेशन स्किन की बढ़े और ये अच्छे से काम करे, और फिर रिलैक्स मोड में आ जाए यानी 10-15 मिनट्स से रहने दें, और जब ये ड्राई हो जाए तो उसे फिर से अच्छे से जेंटली मसाज करके उतार लें, और फिर सादे पानी यानी ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से, क्लीन वाटर से चेहरे को साफ कर लें। सो फ्रेंड्स, आप इसे रोज़ भी लगा सकते हैं यानी डेली बेसिस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्लींजर भी है और फेस पैक भी है, दोनों टाइप है, क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगी, एकदम क्लीन क्लियर, एकदम ग्लास स्किन की तरह। सो फ्रेंड्स,
ये 100% काम करती है। आप उसे लगाइए और अपने स्किन को ब्यूटीफुल बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। बाय। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।